कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स के कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें मॉडर्न से कितने क्वेश्चन थे, एंशिएंट से कितने क्वेश्चन थे, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने वो भी, और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी, क्योंकि दोनों के लिए ही हो यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। देखिए, 65th बीपीएससी क्वेश्चन पेपर का हम कैसे एनालिसिस करने वाले हैं कि मैक्सिमम वेटेज जो है वो किन चीज़ों को दिया गया है। ये देखिए, वेटेज दिया गया है हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हर उसका डिटेल्ड एनालिसिस आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी यूपीएससी सभी स्टेट पीसीएस के लिए हम जो है वीकली करंट अफेयर सीरीज हमने लॉन्च की, जिसके अंतर्गत हम द हिंदू, पीआईबी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, सभी को वीकली बेसिस पर हम कवर करते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आप आईएएस की टीम के साथ जुड़े रहना है। इसके अलावा देखिए, डेली मेन्स आंसर राइटिंग इनिशिएटिव हमारा चल रहा है फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। आप जो है इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं लिंक। इसके अलावा जो है डेली करंट अफेयर्स की सीरीज दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण के रूप में हम चालू करिए हुए हैं, जिसे आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि इससे आपको जो मेंस का पेपर, आपका बीपीएससी का प्री आपने क्वालिफाई कर लिया है, मगर आपको जो है इसके मेंस के लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ, इसकी सीरीज हम जल्द बना रहे हैं, इस पर पूरी आप आईएएस की टीम काम कर रही है। प्रीवियस ईयर का मतलब यूपीएससी, जिसे कहा जाता है माई एंड बाप ऑफ ऑल एग्ज़ाम। तो इस यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के और मेंस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और यूपीएससी के क्वेश्चन की सीरीज जो आ रही है इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आइए आज की बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से जो थे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 28, जो इसका डिफिकल्टी लेवल था इजी। वहीं दोस्तों, जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी का वेटेज भी काफ़ी अच्छा था, 13 क्वेश्चन थे जो कि मीडियम लेवल के थे। पॉलिटी से आए थे 10 क्वेश्चन जो कि इजी थे। वहीं इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन थे जो कि मीडियम लेवल पे थे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 6 क्वेश्चन जो कि इजी थे। वहीं देखिए, जनरल साइंस के 24 क्वेश्चन जो इजी थे। करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के जो थे 26 क्वेश्चन थे जो कि मीडियम लेवल के थे। वहीं बिहार की हिस्ट्री 9 क्वेश्चन थी। बिहार की ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन थे, ये मीडियम उसका जो है मीडियम था। बिहार की ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल मीडियम था। बिहार की इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन थे, लेवल इसका ईजी था। वहीं बिहार की पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे जिसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम था। बिहार की पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन थे जो कि डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम था। बिहार करंट अफेयर्स के 1 क्वेश्चन था और मीडियम लेवल की डिफ़िकल्टी थी। वहीं एप्टीट्यूड रीजनिंग की जब बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन थे और डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम था। टोटल मिला के देखिए 150 क्वेश्चन, ओवरऑल डिफ़िकल्टी जो है मीडियम कही जा सकती है। देखिए, कट ऑफ की जब हम बात कर रहे हैं, कट ऑफ के लिए वीडियो एक अलग से बना दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, 65th बीपीएससी के क्वेश्चन जो हैं हिस्ट्री के हम देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो थे इंडियन फाउंडर ऑफ आईएनसी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके ऊपर क्वेश्चन था। हु सेड स्वराज इज बर्थ राइट, काकोरी ट्रेन रॉबरी के ऊपर क्वेश्चन था। फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रही, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। और दोस्तों, जो क्वेश्चन था ऑथर ऑफ इंडिया फॉर इंडियंस बुक। देखिए मित्रों, ऐसे सरल से क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री पे जो क्वेश्चन था वो मनसबदारी सिस्टम पे था। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंदर, ये क्वेश्चन था। दिल्ली सल्तनत अंदर विच मैक्सिमम कैनाल्स वर बिल्ट। देखिए दोस्तों, इतने सरल से क्वेश्चंस थे, इनको अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो भी आप सॉल्व कर सकते थे। एंशंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, अशोका नेम इन इंस्क्रिप्शन देवराज प्रिया, ये इसका कितना सरल से क्वेश्चन। देखिए, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड, कंट्री विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। देखिए, इसके अलावा देखिए, कंट्री विच हैज लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी, ये देखिए दोस्तों कितने इजी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे हुए हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड और हिल्स क्लोजेस्ट टू कन्याकुमारी। देखिए, ये निश्चित तौर पे डिफिकल्टी लेवल उनके लिए हाई हो सकता है जो यूपीएससी से की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ें थोड़ा कम ध्यान देते हैं और
क्योंकि टिकड़मबाजी यूपीएससी में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अब देखिए पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, रिट विच इज नोन एज पोस्टमार्टम, ये पूछा गया था। वीवीपैट पे एक क्वेश्चन था, आम आदमी पार्टी के ऊपर एक क्वेश्चन था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेचर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था दोस्तों। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। पंचायती राज सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन था। इकोनॉमिक इकोनॉमी के ऊपर जो क्वेश्चन था वो था, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स इन इंडिया बींग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ जापान, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। वहीं 6th 5-ईयर प्लान से भी एक क्वेश्चन था दोस्तों। एनवायरमेंट इकोलॉजी की जब हम बात करें, कोरल लीफ, WSLS इन बिहार। जनरल साइंस में जो था, एड इज कॉज्ड बाय, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज, ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक क्वेश्चन था। स्केलर क्वांटिटी, हार्मोन्स, यूनिट ऑफ प्रेशर, विच क्वालिटी डू हैव द यूनिट, साउंड वेव के ऊपर एक क्वेश्चन था। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर एक क्वेश्चन था। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एमई मीटर, एटम्स एटम्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। एलिमेंट्स के ऊपर, लाफिंग गैस के ऊपर एक क्वेश्चन था। वहीं नेचुरल रबर के ऊपर एक क्वेश्चन था। बिहार की हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की के ऊपर क्वेश्चन था। देशर खता के ऊपर, सर्च लाइट न्यूज़पेपर के ऊपर, सॉल्ट सत्याग्रह बागलपुर के ऊपर, अंबारी सत्याग्रह, मेगालिथिक साइट इन बिहार, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के ऊपर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वराज दल इन बिहार, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। अब बिहार की ज्योग्राफी में फॉरेस्ट कवर, डिस्ट्रिक्ट हैज लॉन्गर लेंथ इन गंगा, बिहार सेंसस हाईएस्ट डेंसिटी किसके ऊपर है, बिहार सेंसस 2011 सेक्स रेशियो के ऊपर था। करंट अफेयर का देखिए, मंडल डैम इज ओवर विच रिवर, फोर्थ सेशन ऑफ UNEA 4 हेल्ड इन, फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल। देखिए दोस्तों मैं अभी आपको खाली टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन के आंसर क्या था, इसके लिए आंसर की मैं अलग से डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को इस हिसाब से देखिए कि क्वेश्चन किस किस एरिया से किस किस तरीके से पूछे गए थे। देखिए करंट अफेयर्स से जो थे, यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। न्यू डेली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनो के ऊपर एक क्वेश्चन था। नाम 2019 की मीटिंग हेल्ड इन, ये कहाँ हुई थी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ऑथर ऑफ अ गैलेक्सी ऑफ रेस्कल्स, ये इसके ऊपर क्वेश्चन था। इलिका ओपन डेन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। समर ओलंपिक 2020 हेल्ड इन, इसके ऊपर क्वेश्चन था। ब्रिक्स के समिट के ऊपर एक क्वेश्चन था। बिहार की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, टैगलाइन ऑफ बिहार टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ग्रोथ रेट ऑफ टेरिटरी इन बिहार ड्यूरिंग 2017-18, GSDP यानी कि ग्रॉस स्टोट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था। बिहार की पॉलिटी में बिहार दिवस के ऊपर एक क्वेश्चन था। बिहार करंट अफेयर्स में बिहार की रैंकिंग इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, मैंने बोला था दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ऊपर, पाइप एंड सिस्टर्न के ऊपर, सीरीज ट्रेन सिस्टम, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिला के जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल था वो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई दोनों के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। काफ़ी मीडियम लेवल का पेपर था, मतलब डिफिकल्ट भी था और इजी भी नहीं था, तो मतलब मीडियम पेपर था। मगर कट ऑफ जो है उसकी संभावना 100 से 103 के बीच में, 105 के बीच में आप देख सकते हैं कि इतनी कट ऑफ लगभग लगभग रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को आप आइए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। Facebook पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप IAS 14, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, आप IAS 14, क्योंकि इसमें टॉपर्स के नोट्स और बहुत सी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी हैं और भी हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं ईमेल पे तो आप IAShelp@gmail.com पे जुड़ सकते हैं। वहीं हमारा नंबर है 9994943 0, व्हाट्सएप पे इस पर मैसेज कीजिए, आपको सारे ग्रुप्स के लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और मेन सनसेट राइटिंग के इनिशिएटिव जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चल रहा है, उससे आप जुड़ जाइए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। और अन्य वीडियो जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं डाल चुका हूँ, तो दोस्तों इन वीडियो को आप पूरा देख लीजिए ताकि आपको BPSC की पूरी होलिस्टिक जानकारी हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और हम भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।